हेलो हेलो, एक बहुत रश है सुबह सुबह दोस्तों, एक्सट्रीम रश एंड बारिश हो रही है पूरी तरह। टेम्परेचर इज 7 degrees। कांट बिलीव आधा नवंबर जा चुका है, आधे से ज्यादा साल खत्म हो गया एंड दिस ईयर हैज बीन सो नाइस, सो ग्रेट एंड आई एम सुपर थैंकफुल। इट हैड बिट ऑफ चैलेंजेस टू, आई एम नॉट लाइंग, बट ओवरऑल इट वॉज अमेजिंग। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। बाकी दोस्तों अगले साल आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कुकू की कल प्रिडिक्शन थी कि मैं सुबह अराउंड 10 बजे उठूंगा एंड उसके बाद कहीं घर से बाहर जाऊंगा नहीं, यहीं पे बैठ के अंडे बना रहूंगा। और मैंने उसको चैलेंज किया था कि गाइस मैं सुबह सुबह तैयार होके लाइब्रेरी जाऊंगा और ब्रेकफास्ट करूंगा कहीं बाहर आराम से मजे लेते हुए। बट कुकू ठीक थी गाइस, मैं घर पे खाना खा रहा हूँ क्योंकि बाहर हो रही है बारिश। अब देखो अगर बारिश हो रही है तो मैं कुछ पंगा तो नहीं ले सकता बिकॉज आई डोंट हैव अ कार। सो अगर गाड़ी नहीं है तो बाहर नहीं जा सकते, तो मैंने सोचा घर पे वही अंडे बना लेते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। कैसे हो सारे, हगी ले लो मेरी तरफ से। अंडे बना रहा हूँ, इसमें बस थोड़ा सा स्प्रिंकल करनी है चीजें। ब्रेड निकाल ली अपनी और आजकल हम ये लेके आए हैं कॉस्को से, बढ़िया ऑयल है, स्प्रे ऑयल है एवोकाडो का। थोड़ा सा मैं डालूंगा सिनेमन क्योंकि सिनेमन खाना बढ़िया है, गार्लिक पेपर, चिली फ्लेक्स, इतू सा नमक डाल लेंगे। ये वाला सेक्शन देख के ऐसा लग रहा कि मैं इंडिया में ही बैठूं। और बाय द वे ये जो नमक है ये लाल मिर्च की वजह से ऐसा नहीं हुआ, ये ऐसा ही था। मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत चिड़ मचती है ऐसा नमक देख के। ये पिंक सॉल्ट है। किचन हो गई साफ, खाना बन गया है। दोस्तों आज शाम को हमने देखा है दृश्यम 2, तो खाना खाते मैं देख रहा हूँ दृश्यम 1 जस्ट टू रिवाइज द एंटायर थिंग। सीनियर इंस्पेक्टर डिसूजा और इंस्पेक्टर मोहित है। दोस्तों बहुत ज्यादा भूख लगी है तो मैं सावन चाहिए। गाइस लंच टाइम, तो मैं अपने इंस्टेंट पॉट में बनाऊंगा उबले हुए अंडे। सबसे इजी लगता है मेरे को इसमें अंडे उबालना, जितने भी अंडे रखने हैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, अंडे रख दो। सबसे अनोइंग बात लगती है जो अंडे छीलने वाली होती है, जो छिलका टूटता रहता है। इसमें मैंने जितनी मर्जी बार ट्राई किया, आई डोंट नो हाउ, कोई स्टीम इफेक्ट है, कोई 360 डिग्री इफेक्ट है कि हमेशा अंडे का छिलका एक ही बार में बाहर से, मतलब उसको पील ऑफ करो बड़ी इजीली निकल जाता है। तो 5 eggs खाएंगे, ओनली वाइट गाइस, और थोड़ा सा पानी डालते हैं। इजी पीजी ये करनी है इस पे सीलिंग पे, और इसके बाद इसको करना है प्रेशर लेवल हाई और टाइमर बढ़ा देना है 6 मिनट। जितने भी लोग यहाँ पे हैं कनाडा में रह रहे हैं, बॉयज गर्ल्स जिनको कुकिंग का ज्यादा शौक नहीं है, नहीं हो पाता इतनी इजीली, ऑलमोस्ट अनयूज्ड फेसबुक मार्केट पे मिल जाएगा, तो तुम वो भी देख सकते हो। अगर तुम्हारा बजट नहीं है फेसबुक मार्केट पे काफी सस्ता मिल जाएगा, और अगर तुम्हारा बजट है तो तुम अमेजोन से नया ले सकते हो। मैं लिंक डाल दूंगा, तुम लोग देख सकते हो, वैसे ही फेसबुक मार्केट पे ढूंढ लेना। थैंक मी एंड कीरत लेटर। घर के बाहर आई है डिलीवरी वैन प्राइम की, मेरी नहीं गाइस, किसी और का ऑर्डर होगा। बट ऐसा नहीं होता कि आपको खुशी मिलती कि किसी कोई ऐसे अमेजोन का ट्रक आया कि शायद आपका भी ऑर्डर हो, बेशक आपने कुछ मंगाया नहीं है। और एक और बात, मैंने फटाफट दृश्यम 1 आगे 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 करके देख ली थी यार, क्रेजी मूवी बनाई है। एंड आई नो इट्स अ रीमेक ऑफ तेलुगु और साउथ इंडियन मूवी, मुझे ये नहीं पता, बट मलयालम है शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर। एंड दृश्यम 2 भी रीमेक है, बट गाइज फाड़ मूवी बनाई है, फाड़ मूवी। आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो एंड वॉच दृश्यम 2 टुनाइट। सो रात का 10:30 बजे का शो है, उससे पहले जिम भी जाना है, सो लेट्स जस्ट सी। सैलड भी निकाल लेते हैं कौन से वाले खाने हैं मुझे। ऐसे पूरा अच्छा सैलड है, वो बादाम भी भिगोने हैं। जितने भी लोग हैं मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि दिन के 10 बादाम जरूर खाओ। भिगो के खा सकते तो बढ़िया है, नहीं भिगो के खा सकते, नहीं याद रहता तो गलत बात है, बट खा लो, कोशिश करो। सो थोड़े से बादाम तो 10 मेरे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये मेरे हो गए और कुकू के भी 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सैलड अपने घर में ला के रखो, डाइट काफी इजी होगी इसकी वजह से। ये $3-4 का उसे कॉस्को से मिलता है,
फुल सर्विंग है, यही जाके सब्वे पे खाओगे, सैलड वगैरह इसमें डालोगे अगर, तो तुम्हें अराउंड 12-13 डॉलर का पड़ेगा। गाइस कीरत का ना कॉल आया बेबी, तो मैंने उसका फोन रख दिया। स्टॉप डिस्टर्बिंग मी, आवाज नहीं आ रही मुझे तेरी। हेलो, नो आवाज, कांट हियर यू। हाँ भैरी, मुझे पता तेरे को नहीं सुनाई दे रहा। सुनाई दे रहा पीछे। हाँ भैरी, मुझे पता है तुझे सुनाई नहीं दे रहा। अगर तू मेरे को गलत ना गलत बोल रहा है ना, तो मैं तेरे को कहूंगी सेम टू यू बैक टू यू नो रिटर्न्स। सेम टू यू बैक टू यू नो रिटर्न्स। भैरी नहीं लगता मुझे तेरे से डर, मुझे डर नहीं लगता तेरे से, हीरो मत बना कर ज्यादा। कुछ नहीं सुनाई दे रहा मुझे। चीवा वो कहीं की। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। तो एक बारी कह दो लव यू इस पे, मेरी मैरिड लाइफ की रोमांस पे एवरीबॉडी इज लाफिंग कुकू। ये हेडफोन्स कहाँ से आए तेरे पास? कौन सी कंपनी के? चाइनीज कंपनी है, पावर लुकस। व्हाट इज दिस दारू? प्लीज ड्रिंक रिस्पांसिबली। ये दारू क्यों मेरी दारू? 50th एनिवर्सरी। क्या बात है। चलो हमारी फोटो दिखा दे पीछे जो पड़ी है। और तेरा दिल कैसा चल रहा है? ये दूर से तो मेरी लग रही थी। मैंने कहा दूर से तो मैं लग रहा था, पास आए मिसेस गिल थी। कितना कूल फीचर निकाला है इन्होंने। सो मैंने अभी लाइव कैप्शंस ऑन किए, बेटा अभी वर्जन है, अभी फुल वर्जन आया नहीं है। वॉट एवर कीरत विल स्पीक ना, इंग्लिश में ही होना चाहिए, दैट वी कैन गो टू द जिम एंड आफ्टर दैट आई विल ईट समथिंग। ओ माय भाई, नेक्स्ट लेवल निकाल दिया इन्होंने। बोले बोल कुछ। सुपर सुपर एक्साइटेड फॉर टुनाइट। ओ माय गॉड गाइस, यार टेक्नोलॉजी देख रहे हो तुम? मतलब अगर यहाँ पे बात हो रही हो कि यार मैं किसी चाइनीज बंदे से फेस टाइम कर रहा हूँ, वो चाइनीज में बोल रहा हूँ यहाँ पे, और सारे सबटाइटल्स आ रहे हो, ओए भाई कैप्शंस आ रहे हो, गा पड़ गया भाई, गा पड़ गया। या व्हाट? इट्स गुड। ओए होय भाई, लिटिल टू स्वीट, सो जस्ट टेक अ स्मॉल पीस फर्स्ट। कीरत तू बिलीव नहीं कर पाएगी जब तू ये व्लॉग देखेगी। एप्पल तुम क्या चीज हो, मुझे नहीं पता किसी और सॉफ्टवेयर में है कि नहीं है। आई डोंट थिंक तू टीम्स यूज करती है ना? टीम्स में भी नहीं है ये भाई। एप्पल लव यू यार, गा पा देता है एप्पल। कीरत कोई गाली दियो, मेरे को देखना आती है। फनी बात है गाइस, कुकू को एक ही गाली आती है इंग्लिश में। इस पे मैं दुर्गा यू आर अ शिट पर्सन, इस पे व्हाट इज 6%। दोस्तों बारिश हो रही है, पूरे बादल। लेट्स गो होम। हमारे ऑफिस में 50th एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन हुई थी एंड आई गॉट गिफ्ट एज़ वेल। बाय द वे माय कोट इज मैचिंग द वॉल। So nice. And Pianji यहाँ पे green screen बना सकता है। दोस्तों going back home, भाई पूरा अंधेरा हो गया है एंड अभी टाइम सिर्फ 5:20 हुए हैं। इमेजिन इतना अंधेरा हो गया यहाँ पे, ऐसे ही होता है 4 बजे पूरा अंधेरा होना शुरू हो जाता है। इतना तो मैंने इंडिया में भी नहीं देखा था। इस मौसम में बस फिर एक ही चीज आपको लाइट अप कर सकती है, those are Christmas lights. मैं ऑफिस से आ गई थी एंड मैं मम्मा से बात कर रही थी एंड फिशी इज वेरी वेरी अपसेट दैट आई डिडंट गिव टाइम टू हिम। नो नॉट अपसेट, आई वाज जस्ट वेटिंग कि तू मेरे ही नंबर कब आएगा। स्पार्कलिंग वाइन प्रोडक्ट ऑफ इटली। ओह आई लाइक इट इवन मोर। सारा शराब तो इटली से दिए, ये गा पाया, ये खाते कुकू। अच्छा कैरेमल, ओए होए ये बढ़िया काम है कुकू। किसी एक आधे का चोरी करके ले आती, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता। फिशी मैं तो लेट गई हूँ सेलिब्रेशन से। लप आए तू आज भी सेलिब्रेशन मिस कर दी तो? भूल गया तू सेलिब्रेशन तो उस दिन थी जिस दिन मैं जल्दी आ गई थी घर। तू करती क्या जिंदगी में? मैं बस बहुत सारे काम। हेलो ओरिजिनल था भाई साहब, आप जाना नहीं जिम? नहीं जाना? अरे एक से क्या आया, मुंह में लड्डू फूटा। चल चले।
मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, चॉकलेट है यार काफी है, बहुत ही ज्यादा ये गाइस गलत चीज़ है। जब मैं छोटा था तो आई हैव अ स्वीट टूथ, मुझे मीठे का बेइंतहा साइकोपन है, आई लव मीठा। ऐसे ही चॉकलेट का डब्बा आता था, डब्बा नॉट किडिंग 100-150 ही चॉकलेट, झूठ नहीं बोल रहा, दो या तीन दिन में खत्म। हाय राम, मैं अपने भाई को एवी डांटती रहती थी, मैं बचाती रहती थी, बचाती रहती थी। तू तो सेम मेरे भाई जैसा निकला। मेरी बहन ना खाती थी, हफ्ते में एक बार खाती थी, वो संभाल संभाल के थी, मैं उसके अलमारी में घुस गई चोरी करके खा लेता था, इतना कलपती थी वो। सेम मेरे साथ मुसाय वैसा करता था, सेम, और मैं इतना कलपती थी। आई थिंक ये हर बहन भाई करते होंगे। मैनु ये दसो, एनर्जी लो, एनर्जी एप्पल ऊपर खा, फिर जिम जाना, फिर उसके बाद दृश्यम 2 मैं तो रिवाइज भी कर लिए। वो दिखा देते होते हैं, क्या दिखा देते हैं? इतना पार ना पाओ बाबू, यू आर डबल माय वेट। मैं भी खा रहता हूँ, फिर मत खा, तू मत खा, तू क्यों मत, मैं क्यों नहीं खा सकता? तेरा फिगर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, मैं भी खाएगा, मैं भी खाएगा दोस्तों। कहाँ से पढ़ रहा था तू, पढ़ा कहाँ से रहा था तू? ये देख ना, सॉल्टेड कैरमल लिखा हुआ। Salted caramel, I don't like caramel. इस पे क्या लिखा है? इस पे कुछ लिखा ही नहीं है विश। मैं वो सब पे नहीं लिखा, मेरे को एक दो के रैपर से भी पता है, ये ओरिजिनल है। व्हाइट मिल्क चॉकलेट चाहिए मुझको। ये व्हाइट वाली। ओके, आई विल हैव दिस। ये वाला कलर हमेशा व्हाइट का होगा। लेट मी चेक, कहीं मेरी बेइज्जती हो जाए कैमरे पे। पीछे अगर तूने वरना मार्केटिंग लेवल के हिसाब से दिस शुड बी व्हाइट, आई डोंट नो। क्या बात है, कैसे तुझे कैसा पता मार्केटिंग लेवल पे? बाबू ये कलर इसी के लिए यूज होता है ना, ये वाला इनका ओरिजिनल होगा। अच्छा, ये तो मेरे को पता है। ठीक है, मार्केटिंग लेवल के हिसाब से जिसको मिला उसको जब मैंने गाइस फर्स्ट टाइम दिल चाहते ही देखी थी ना, तो आमिर खान ऐसे मछली खा रहा था, मैंने कहा भाई यही कर रहा है लाइफ में। अच्छा चल बता, ऑफिस से आके मैंने बना ली है खिचड़ी। येलो दाल वाली खिचड़ी, प्याज एंड अदरक, यम्मी यम्मी खिचड़ी रेडी। दोस्तों बढ़िया कटलरी कैन मेक एनी फूड लुक गुड। दोस्तों जो भागता भागता मेरे पास आ रहा था और एकदम से पिसल के गिर गया। आर यू ओके? हेलो बाबू, क्या ठीक है तू? कंटेंट मिस नहीं होना चाहिए। तभी तो मैंने अपना फोन उठा लिया, कंटेंट मिस नहीं। ये लिटरली इतनी जोर के गिरो भाई, गॉड मतलब गाइस इतनी फनी भाई लगी तो नहीं? नहीं नहीं, बड़ा मजा आया। बता नी पे लगी तो नहीं? ऊपर लगी है बैग पे भाई, मेरी ये जो सॉक्स है ना गाइस, ये बहुत स्लिपरी है, कुत्ती कहीं की हंस रही है तो भाई मेरे लेफ्ट साइड पे दर्द हो रहा है। मेरे को तो रो रहा है, हंस हंस के रोना आ गया। विजी मुझे तेरे दुख में ही रोना आ रहा है। वो करके दिखा रही थी तो मैं हंस रहा था या तेरे को देख रहा था? मेरे को देख रहा था, हंस रहा था। मैं तू जिस स्टाइल में गिरा उसमें मेरे को आ गया। तो कोई भी गिरता है ना तो हंसी आती आती, फर्क होता है कि अपना होता है पराया होता है। जब तू पता कैसी गिरी थी जैसे वहाँ पे, मेरे सच में बता रही है, गोड्डे पे लगी है, शुरू होने वाला था, तू ऐसी गिरी थी आगे करके। मैं क्या बताता हूँ, जब इसने उल्टी की दारू पी के, आई वॉज द वन जो इसके बाल पकड़ रहा था, सब कुछ कर रहा था, जब मैंने उल्टी की पता क्या करती थी? हाय 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 और ऐसे करके भाग गई थी। जब तू गिरी तो मैं तुझे संभाल रहा था, जब मैं गिरा तो तू धाड़े मार मार के हंस रही थी। दोस्तों मेरे शोल्डर में हो रही है पेन, गिरने के बाद हो जाता है, बट मैं कुकू को बोल रहा हूँ तो जिम चल ले, ये मना कर रही है, इसका कल कैरी लॉन्ग डे, मैं थकना नहीं चाहती। और है मैडम चल ले। गाइस शोल्डर में थोड़ी सी पेन हो रही है,
तो मैंने कहा मैं जिम जाने से पहले थोड़ा सा ऑइंटमेंट लगा रहा हूँ, थोड़ा हीट रहेगा। वैसे तो कुकू बोल रही थी कि जिम आज मत जा कि अगर झटका लगा ये हो, बट भी मैंने कहा ब्लड पंप हो जाएगा और फिर हीट मिल जाएगी इसको। कुकू भी चल रही है बाय द वे जिम। You decided to go or somebody convinced you? He convinced me. मैं भी वॉशरूम में था तो एकदम से एक लड़के ने आके बोला कि आप फियांशु हो ना, और वो बता रहा था कि मेरी मम्मा आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है कि जिस हिसाब से आप अपनी वाइफ की केयर करते हो। तो मैं कितना कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच आंटी हमारा चैनल देखने के लिए, थैंक यू सो मच अपने बेटे को बताने के लिए। आई मेट अ सब्सक्राइबर सन। जिम से फ्री हो गए हैं हम एंड मेरी एनर्जी वापस आ गई है। गाइस मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर जिम जाने से पहले आपकी बीवी आपसे लड़े या फिर कहे मेरा मूड नहीं है जिम जाने का, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, और उसको लगता है कि उस वजह से उसका जिम मिस हो जाएगा, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, चलाक ब्रो, बहुत चलाक हो तुम, बहुत चलाक ब्रो, वेरी चलाक ब्रो, यू वेरी चलाक, यू वेरी चलाक ब्रो। अगर तुम्हारी बीवी बोले तुम्हें कि उसकी तबीयत खराब है, उसके लिए चाय बना दो और चाय की एक से पीते ही उसकी तो ठीक हो जाए। चलाक ब्रो, वेरी चलाक ब्रो। दोस्तों अब जा रहे हैं हम कहाँ, घर नहीं, हम मूवी देखने जा रहे हैं। सुबह से मैं वेट कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं तो तब से वेट कर रहा हूँ जब से मूवी रिलीज हुई, हम तो काफी लेट देख रहे हैं। पार्किंग से ही पॉपकॉर्न की फ्रेग्रेंस आ रही है फिशी। गाइस कंधे पे बड़ा दर्द हो रहा है, एक्सरसाइज भी ढंग से नहीं हुई आज, ये बहुत कम वेट से मार रहा था, इसके शोल्डर पे पता नहीं बस ग्रह होता है कोई। मूवी शुरू हो चुकी है भाई, चल चले अभी 10 मिनट लेट चल जाएंगे, रीकैप ही दिखा रहे होंगे। मुझे रीकैप देखना है ना, तू तो देख क्या है। मैं बता दियो, मैं बता देता हूँ, 2 अक्टूबर को पंजी गए थे। मुझे ये पता है, मुझे ये पता है। 2 अक्टूबर को हम पंजी गए थे और हमने पाव भाजी खाई थी और गाय टोंडे से मिले थे और हमारी टिकट के बस के पैसे नहीं लगे थे। तेरे को ये याद है कि उसने एक्चुअली लाश कहाँ छुपाई थी? अपने घर के उसमें गार्डन में। यही तो सस्पेंस था, फिर पुलिस खोद लेती उसमें, वहां से मिलती नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है याद है, जहाँ पे उसने फ्लोरिंग करवा दी थी अपनी दुकान पे, मुझे लगा वहां छुपाई होगी, बट एक्चुअल में एंड में दिखाते सस्पेंस था, उसने नए वाले पुलिस स्टेशन के नीचे छुपाई हुई है। मूवी में लास्ट में दिखाते हैं ये फर्स्ट पार्ट की, पुलिस स्टेशन के नीचे जो नया पुलिस स्टेशन बना था उसी के नीचे लास्ट छुपाई हुई। गाइस इतना डिस्गस्टिंग लग रहा ना सीरियसली, अगर कोई यहाँ पे मैनेजर वगैरह है जो बाई चांस व्लॉग दिखते हैं, डिस्गस्टिंग गाइस, इतना गंदा हुआ है सारा एरिया, आई हैव नो क्लू। ओ शुरू हो चुके पंजी वाला सीन दिखा रहे कुकू। सच लगता है झूठ जा। How was the movie कुकू? Amazing. मेरी बात पे बिलीव करना, इसने बाहर आके कुछ कहा है जो मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। एक मुझे अजय देवगन की बीवी पे गुस्सा आ रहा था। अच्छा भाई मूवी मस्ट वॉच है, प्लीज दर्शन वन जरूर देखना। अजय देवगन ने गुस्सा किया, he was so sweet. बाबू उसने वो शूटिंग चल रही थी, कट के बाद उसने अपनी बीवी को सुनाया दबा के कि तेरे को और कोई नहीं मिली बात करने को। कितनी शरीफ लग रही थी भाई, अगर ऐसे हो। शरीफ नहीं थी बाबू, बोंगी थी वो। बेवकूफ पति जा जाके अखबार ढूंढ रहा है, अलग अलग चीजें कर रहा है, बीवी उसको कह रही नहीं मैं ना हैवी फील कर रही थी। भाई कर लेती हैवी फील तू। गाइस मैं तो इसको कह दिया था, मैंने कहा और कुछ नहीं तू घर जाके पिलेगी अजय देवगन की बीवी पे, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। बट एनी हाउ सुपर मूवी गाइस, सुपर प्राउड कि मतलब कि दिस वाज इंडियन सिनेमा ने ऐसी एक मूवी बनाई है। आई एम नॉट सेइंग बॉलीवुड ने, आई एम सेइंग इंडियन सिनेमा ने, क्योंकि ये रीमेक है। सो या गॉन, आई वाज गोइंग टू से कि मेरे जितने भी जैसे ऐसे कॉकेशियन फ्रेंड्स होते हैं है ना, तो वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कि कोई बढ़िया सी मूवी रिकमेंड करो जो हम लेके देखें एंड मस्ट वॉच टाइप है ना। तो मैं कुछ जैसे बाहुबली रिकमेंड करती हूँ, 3 Idiots रिकमेंड करती हूँ है ना, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मूवी दैट आई एम गोइंग टू रिकमेंड के डू वॉच दिस, वो सब टाइटल्स के साथ भी, मतलब आई नो दे गोना एंजॉय इट। और बाय द वे ये कह रहे हैं कि जो जहाँ जिस मूवी का रीमेक है, मुझे ना चेक करना पड़ेगा ये मलयालम है तेलुगु है या मेरे को नहीं आइडिया, इसमें कह रहे हैं कि काफी सारे चेंजेस किए हैं
ठीक है, थोड़ा स्क्रीन प्ले वगैरह जैसे विक्रम वेदा बिल्कुल ही कर दी थी सेम सी, या फिर अपना बाय द वे एक और मूवी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तापसी पन्नू की मूवी थी दोबारा, जो एक्चुअल में मूवी कॉपी हुई है मिराज से, सो मैंने नेटफ्लिक्स पे एक्चुअल वाली देख ली थी, ठीक है, तो वो भी मिराज भी नेटफ्लिक्स पे बहुत सेक्सी मूवी है, वो भी देखने वाली मूवी है, बट गुड मूवी यार, सुपर्ब, लव्ड इट, अजय देवगन सर गा पा दिया आपने, दृश्यम 1 भी बहुत सही थी, दृश्यम 2 भी बहुत फाड़ है, मतलब यार पता नहीं वो ये ना कि सारे इतने तगड़े एक्टर्स लिए हुए हैं, इट वॉज अ कम्बाइंड मूवी, हर एक बंदे ने मतलब कि अपना अपना रोल प्ले किया है बहुत जबरदस्त। नहीं दोस्तों घर पहुंचने वाले, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या ठोकने की रात, लाइक बटन, एंड अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, एंड आई नो कई लोग देखते हैं हमारी वीडियोस बट कई लोग नहीं, टू बी एग्जैक्ट अराउंड 47% यार कर दो ना सब्सक्राइब, क्यों ऐसे कर रहे हो आप, तो कर दो प्लीज, हमें बहुत अच्छा लगेगा। It's gonna be a very big milestone. I never thought that we will be able to reach 100K. चार दिन से never thought ही चल रहा है, अब इसको thought करवा दो, please कर दो. Please. कर दो ना wish पूरी. कल की वीडियो में भी इसे ऐसी ending की थी. मेरे birthday से पहले 100K करवा दो बस.